तो हाय गाइस, कैसे हो? आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल हेरॉक्स वाईटी पे। तो गाइस, मैं वापस से आ चुका हूँ आप सबके लिए माइनक्राफ्ट के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। थंबनेल देख के तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि इस वाली वीडियो में आप लोगों को क्या देने वाला हूँ। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही गेस किया। इस वाली वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे लकी ब्लॉक का रेसिंग मोड का मैप देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना। जी हाँ गाइज, इस वाले वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे लकी ब्लॉक का रेसिंग मैप देने वाला हूँ। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि एस एस मार्टी पाई ने एक वीडियो डाला है जिसमें कि उन्होंने एक लकी ब्लॉक का मैप के में रेस लगाया अपने फ्रेंड के साथ। तो वही सेम टू सेम मैप आप लोगों को यहाँ पे माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के लिए देखने को मिलने वाला है गाइज। तो गाइज, अगर आप लोग जानना है कि आप लोग यहाँ पे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में वो वाले लकी ब्लॉक के रेसिंग मैप को कैसे ला सकते हो और भी क्या क्या फीचर्स है उस वाले मैप का, तो ये सब जानने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के बस जरूर देखना गाइज। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा से कमेंट भी कर देना गाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये वाला जो लकी ब्लॉक का रेसिंग मैप है, इस मैप का डाउनलोड लिंक आप लोगों को नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा इजीली इस वाले मैप को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली मैप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोगों को उस वाले मैप को अपने वर्ल्ड में ला लेना, मतलब अपने माइनक्राफ्ट में ला लेना है। इसका सिंपली आप लोगों को मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ वो वाला मैप खोल के, उस वाले मैप में आप लोगों को किस किस टाइप का फीचर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो जैसे आपका वर्ल्ड क्रिएट हो यानी कि वाला मैप क्रिएट होगा, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू आप लोग यहाँ देखने को मिलने वाला है। गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो चारों तरफ और यहाँ पर आप लोगों को लिटरली काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपका यहाँ देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे इस वाले बटन की मदद से मैप को रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलने वाले, कीप इन्वेंट्री और लूज इन्वेंट्री। तो अगर आप लोग यहाँ पे कीप इन्वेंट्री सिलेक्ट करके रखते हो तो मैच के दौरान अगर आप लोग यहाँ पे मर जाते हो तो आपके इन्वेंट्री में जो जो चीज़ रहेगा वो आपके इन्वेंट्री में ही रहेगा गाइज। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डे और नाइट का ऑप्शन आप लोग यहाँ देखने को मिल जाएगा गाइज कि आप लोग यहाँ पे जो रेस है उसको रात में करना है या दिन में करना, आप लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख जाएगा। इस वाले बटन की मदद से आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजिली डे और नाइट भी कर सकते हो। और गाइस, इस वाले बटन की मदद से आपके यहाँ पे जो यहाँ पे रेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और हाँ गाइस, इस वाले मैप को आप लोग यहाँ पे अपने 8 दोस्तों के साथ खेल सकते हो, लाइक डुओ का 4 टीम बना के, और आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजिली खेल सकते हो। यहाँ पे आपको येलो टीम, रेड टीम, ब्लू टीम और ग्रीन टीम देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि देख सकते हो आप लोग, हम जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाले अपने रेस में अपने ट्रैक पर आगे बढ़ते जाओगे, आपको आगे आगे जाते जाते आप लोग यहाँ पे लकी ब्लॉक्स देखने को मिल जाएगा या रैंडम ब्लॉक्स भी आप लोग उसे कह सकते हो। क्योंकि गाइज, यहाँ पे जितना है ब्लॉक दिख रहा है ये सारा सारा ब्लॉक रैंडम है। इसमें आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिल सकती है और आप लोग यहाँ पे ख़राब चीज़ें मिल सकती है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे नीचे गिर जाते हो देख सकते हो कुछ इस तरह से, तो आप लोग यहाँ पे मर जाओगे और आप लोगों ने यहाँ पे जहाँ से गेम स्टार्ट किया तो वहीं से आपका यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज। और गाइज, आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक के दौरान यानी कि रेसिंग ट्रैक में जितना भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये सारा रैंडम ब्लॉक्स, इन सारे रैंडम ब्लॉक्स के अंदर आप लोग यहाँ पे लिटरली सारा सारा चीज़ मिल जाएगा। लाइक आप लोग यहाँ पे कुछ खाने का सामान मिल जाएगा, वेपन्स मिल जाएगा, आर्मर्स मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे कोई कोई मोब्स स्पॉन हो जाएगा, लाइक आपके यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ भी आपके यहाँ पे स्पॉन हो सकता है गाइज इन सारे ब्लॉक्स में। आप लोग यहाँ देखना, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को तोड़ा देख सकते हो, तो आप लोग यहाँ मेरे यहाँ पे ब्लेजेस यहाँ पे स्पॉन हो गए गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और सर, ये मुझ पर अटैक भी कर रहे हैं गाइस, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। इसी तरह से आपका यहाँ पे जितना है ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं सारा सारा ब्लॉक रैंडम है गाइस। और गाइस, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे इस वाले मैप में आगे बढ़ते जाओगे आप लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिफिकल्टीज देखने को मिलते रहेगा गाइस। और तो ये जो रैंडम ब्लॉक्स, इनमें भी आपका यहाँ पे काफ़ी सारे अटैकिंग मोब्स स्पॉन होते रहेंगे गाइस। उसको जैसे आप लोग यहाँ पे एंड पॉइंट पहुँचोगे यानी कि अपने फिनिशिंग लाइन पे पहुँचोगे, आप कोई सा भी कलर वाले हो गए तो सिंपल आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे येल्लो हो तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इस वाले बटन को दबा दो, आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे पटाखे भी फूटने लग जाएंगे गाइस, आप लोग आप देख सकते हो। लेकिन हाँ गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे अपने टीम के साथ खेल रहे हो, लाइक अगर आप लोग यहाँ पे आपके टीममेट के साथ अगर आप लोग यहाँ पे रेस लगा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे यानी कि फिनिशिंग पॉइंट पे जब पहुँचोगे, तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपका यहाँ पे एक पीवीपी अरीना खुल जाएगा, लाइक आप लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोलो पर रहोगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन आएगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे इस बटन को दबाओगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाओगे गाइज। और जैसे कि मैंने आपको हमें स्टार्टिंग बताया था कि इस वाले बटन की मदद से आप लोग यहाँ पे इस वाले मैप को रीसेट भी कर सकते, लेकिन हाँ गाइस, रीसेट के दौरान आपका यहाँ पे गेम जो है वो हल्का लैग हो सकता है, तो इससे आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लेना, आपका यहाँ पे हल्का सा लैग होगा उसका फिर से आपका यहाँ पे जो मैप है वो खेलने के लिए रेडी हो जाएगा गाइज। तो गाइज, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों की वाला रेसिंग मैप पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की वाला मैप और ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।